हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 23 पर आ चुके हैं, जो कि सीयूटी का मैं पीवाई की सीरीज चला रहा हूँ मैथमेटिक्स का, तो आज हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, इसका फ़ायदा उठाए, ठीक है। और एक हिमांशु यादव स्टूडेंट जो बच्चा वो पूछा है मुझसे, तो मैं उसके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ और सभी सब जो कि सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, आप सभी लोग देखें इसका फ़ायदा उठाएँ, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, तीन अंकों की ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम 5760 है और महत्तम मतलब जो एचसीएफ कितना है 80, इसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ, इसको बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। इतना एलसीएम दिया और इतना एचसीएफ दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताई तीन अंकों की ऐसी संख्या, जैसे इसमें देखिए तीन तीन अंकों की संख्या, हमको पता करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो दो नंबर लेंगे जिसका लघुत्तम समापवर्त इतना आ जाए और महत्तम समापवर्त मतलब 80 आ जाए, इन दोनों को लेने के बाद, कोई भी दो नंबर लेने के बाद, या ये लीजिए या कोई भी। आप देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ आपको, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। जैसे मान लीजिए हम दो नंबर लेते हैं, 12 ले लेते हैं और 16 ले लेते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो एचसीएफ आएगा, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 4 × 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा एचसीएफ, देखिए दोनों में कॉमन है, क्या है, दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन, और जो नंबर बच गया 4 और 3, ये अपने आप में क्या होता है, को प्राइम होता है, क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम मतलब स अभाज्य संख्या, क्या होता है, स अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अपने आप में स अभाज्य संख्या होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब हमको एलसीएम निकालना होता है, ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये नंबर होता है और ये नंबर होता है जिसको हम लोग स अभाज्य अपेक्षित अभाज्य संख्या भी कर सकते हैं, ठीक है, जिनके ऐसा दो नंबर जिनका जो एचसीएफ 1 है, देखिए 3 और 4 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो वो नंबर मतलब 3 और वो 4, और साथ ही साथ अगर हम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एचसीएम मिल जाएगा। जैसा कि आप देखिए 3 × 4 और एचसीएफ हमारे पास कितना है, 4 था 4 जो कि 16 16 3 48, तो अगर इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन को लगाने का तरीका देखिए क्या कह रहा है, तीन अंकों मान लेते हैं, वो जो तीन अंक है वो ए, पहली संख्या ए है तीन अंकों वाली, और दूसरी संख्या क्या है, बी है तीन अंकों वाली, हम लिख दे रहे हैं तीन अंकों वाली, ठीक है, तीन अंकों वाली दोनों है, तीन अंकों वाली, ठीक है। इसको अगर लिखना होगा, देखिए इसको लिखना होगा तो 80 का गुणा होगा, क्यों, क्योंकि 80 × x लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 80 × y, क्योंकि जो y और ये x है ये स अभाज्य मतलब को प्राइम है, जिसको रिलेटिव प्राइम भी कह सकते हैं, मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है सभी को। अब देखिए हमारे पास 80 का मल्टीप्लाई का, जैसे कि यहाँ पर हम दोनों ने क्या, यहाँ पर देखिए जो एचसीएफ आया था उसका इस रेशियो मल्टीप्लाई होता है। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई हो कि ये नंबर हमारा यही है, ठीक है, नंबर हमारा वो तीन अंकों वाला यही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको पहले एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम हमको दिया हुआ है, एलसीएम हमारे पास कितना है, 5760 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 80 मतलब एचसीएफ इनटू वो नंबर एक्स और इनटू वाई, ठीक है, ये दोनों नंबर जो भी हमारा जो हमने माना था प्राइम सो आवाज संख्या हमने माना था, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक्स और वाई इसको इधर भेजेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 8 × 8 = 56, 8 × 2 = 72 आ जाएगा। अब देखिए ऐसा हमको गुणा करना है जो कि एक अभाज्य संख्या के तौर पे मतलब स अभाज्य संख्या के तौर पे हो, ठीक है, इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 × 9 करेंगे तो 72 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, और इन दोनों 8 × 9 करेंगे 72 आ जाएगा, इन दोनों का जब एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। बात सभी को समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो नंबर हमारा एक्स और वाई होगा वो क्या होगा, 8 9 हो सकता है या तो 9 8 हो सकता है, कोई भी लेंगे बात एक ही है, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई और वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 9 निकाली। अब क्या करना है हम लोग को, अब सीधा सीधा इसमें पुट कर देना, क्योंकि हमने जो नंबर माना था ए और बी वो हमने ऐसे मान लिया था, हमने समझ लिया था। अब ये हो जाएगा हमारा 80x, तो 80 × कितना हो जाएगा, 8, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 80 × 9, तो 8 × 64 कितना हो जाएगा, 640, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 640, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 720, 8 × 9 = 720, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, आपसे ये गलती नहीं होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉजिक भी समझाया हूँ, कॉन्सेप्ट भी समझाया हूँ, और साथ में इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका सिखाया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर चैनल पर नया तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों मित्रों से सारे सहपाठियों को दोस्तों को रिश्तेदारों को जिसको जिसको भेजना होगा भेजकर सब्सक्राइब कराइए, सपोर्ट कराइए। थैंक यू सो मच।